हेलो गाइस, दिस इज प्रोफेसर बड़के और फाइनली आईबीपीएस वालों को ये याद आ गया है कि कोई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए उन्होंने कोई प्रीलिम्स की एग्जाम ली थी और अभी ये याद आने के बाद उन्होंने उसके प्रीलिम्स का रिजल्ट आखिरकार आज लगा ही दिया। आज मतलब 18th of January 2022 को ये रिजल्ट आया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल एफओ एस्पिरेंट्स जिनकी प्रीलिम्स क्लियर हो गई है, और जिनकी क्लियर नहीं हुई है और उनको बुरा लग रहा है, मतलब बुरा तो सबको ही लगता है, ठीक है, मगर कुछ लोग होते हैं जिनको बुरा लगता है, वो सिचुएशन को समझते हैं और खुद को संभाल लेते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनको ज्यादा ही कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है और वो रोना वोना शुरू कर देते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इस बार आपका एग्जाम नहीं निकला इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ यही पे रुक जाएगी। घड़ियां वैसे ही घूमते रहने वाली है और आपकी जो लाइफ है वो भी वैसे ही चलते रहने वाली है। इसे रो के बुरा मान के अपने लाइफ को मत रोको, तुम भी उठो और लाइफ के साथ चलने लगो यार। इस बार नहीं हुआ तो अगली अटेम्प्ट में होगा, वो अगली अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो उसके अगले अटेम्प्ट में होगा, या फिर कभी तो होगा। और कभी नहीं भी हुआ तो भी ऐसा रोके धोके खुद को बुरा मान के अपने लाइफ को कभी रोकना मत, क्योंकि गाइस लाइफ कौन से सेकंड में चेंज हो जाएंगी ये कोई भी कभी बता नहीं सकता। और ऐसे हम लोगों को लगता है कि लाइफ चेंज करने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए जॉब की ही जरूरत होती है, मगर लाइफ को ऐसे अच्छे तरीके से चेंज करने के लिए सिर्फ जॉब ही एक उपाय है ऐसा नहीं है। अगर आप में मेहनत करने की ताकत है, थोड़ा रिस्क लेने की जो है हिम्मत है, तो आप कौन से भी फील्ड में जाके सक्सेसफुल बन सकते हो। तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है तो शायद तुम्हारे लाइफ में बैंकिंग के अलावा कुछ ज्यादा अच्छा होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, देयर आर मेनी 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 बेटर थिंग्स दैट आर गुड देन बैंकिंग। अभी जो मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए कुछ बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं ये होप करता हूँ कि आप सबने ही मतलब जो भी मेंस के लिए अपीयर कर रहे हैं उन सबने ही प्रीलिम्स के बाद ही मतलब एग्रीकल्चर को पढ़ना शुरू कर दिया होगा, ऐसे मैं होप करता हूँ। और प्रीलिम्स के बाद जिन्होंने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पर भी कॉन्टेक्ट किया है उनसे मैंने सिर्फ एक ही बात कही है कि मेंस में मेनली जैसे एंटरटेनमेंट होता है वैसे ही मेंस में रिवाइज करो यही मंत्रा मतलब काम आता है, ठीक है। रिवीजन ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। कि अब तक आपने जिस भी सोर्स से पढ़ाई की है, जिस भी बुक से आपने पढ़ा है, जिस बुक को आप पूरा तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है, जितना भी पढ़ चुके तो उसी को आप रिवाइज करने की यहाँ पे कोशिश करिए, उसी को रिवीजन दीजिए। अभी कुछ भी नया उठा के कुछ नया ही टॉपिक या फिर सब्जेक्ट पढ़ने का कोशिश मत करिए, मतलब कि अभी आपको कोई एपिकल्चर या फिर कोई सेरीवेरी कल्चर कुछ तो भी पढ़ते दिख गया तो आप भी ऐसा कह रहे हैं खुद को कि नहीं नहीं अब मैं भी इसको पढ़ ही लेता हूँ, ठीक है, मेरे को भी पढ़ना है तो यही तो एग्जाम में आएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, ठीक है। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ा है बस उसको रिवाइज करिए, उस पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप अगर कुछ नया पढ़ने जाओगे, नया कुछ पढ़ने का ट्राई करोगे तो सबसे पहले तो आपका टाइम वेस्ट होगा और सेकंड बात यह है कि सिर्फ एक बार पढ़ने से वो बात इतनी दिमाग में नहीं बैठती है। आप जब एग्जाम में अगर गलती से उस पढ़े हुए अगर टॉपिक से कुछ सवाल आ गया एग्जाम में तो आप वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग तो होती है, तो नया पढ़ने से बचे, ठीक है। किसी के भी लालच में मत आइए कि ये पढ़ लो, इसकी नोट्स पढ़ लो, ये तो बहुत ही खतरनाक वन लाइनर दे रहा है, ये इसी से सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये सब फालतू की चीजें हैं। मेंस में कोई गारंटी नहीं है, किसी भी बात से वो क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई भी 100% नहीं बता सकता, ठीक है, कोई सिलेबस नहीं है यार। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आप अच्छा एक टाइम शेड्यूल बना के पढ़ाई करिए, ठीक है। बहुत सारे लोग शायद कर भी रहे होंगे जो प्रीलिम्स के बाद ही शुरू कर दिया होगा बहुत सारे लोगों ने, मगर कुछ भी हो जाए जैसा जोश प्रीलिम्स पास होने के बाद शेड्यूल फॉलो करने में आता है वैसा पहले से नहीं आता, तो ठीक है एक अच्छा शेड्यूल को फॉलो करिए, अच्छा एक टाइम टेबल बना के पढ़िए। आपको हर एक सेकंड हर एक मिनट को यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे पिछले साल में जब खाना वाना भी खाता था तब यूट्यूब पे कोई करंट अफेयर स्कीम का या फिर कोई एमसीक्यू वाला यूट्यूब पे वीडियो देख लेता था। बहुत से कोचिंग वाले ये जो है वीडियो डालते रहते तो वही मैं देखता था। मतलब आपको हर एक सेकंड का यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नींद से कॉम्प्रोमाइज करें, ठीक है। गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो आप जब जग रहे होंगे, जब पढ़ाई कर रहे होंगे तब आपका फोकस उतना नहीं रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से 6 से 7 घंटे का
जो समय है सोने के लिए इस क्रूशियल टाइम में मतलब सफिशियंट है, ठीक है। आप गुड स्लीप भी उसको भी इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है, अच्छे से सोइए और अपने माइंड को किसी भी डिस्ट्रैक्शन से यहाँ पे दूर रखिए, ठीक है। आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अपने माइंड के अंदर मत घुसने दीजिए, ठीक है। आपको कोई लड़का लड़की जो भी पटाना है एग्जाम के बाद पटाना, ठीक है। अभी आप किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, सिर्फ फोकस एक ही जगह पे रखिए, ठीक है, मेंस पे। और पढ़ाई से थोड़ा माइंड फ्री करने के लिए आप सीधा सोशल मीडिया को उठा के इंस्टाग्राम खोल के मत बैठ जाना, ठीक है। वहीं पे मतलब टाइम पास करने मत लग जाना। माइंड को फ्री करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स से या फिर आपकी फैमिली से या फिर जो भी आपके फेवरेट पर्सन है उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे तरीके हैं। बाइक राइडिंग कर सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। मगर सोशल मीडिया से आपको माइंड फ्री नहीं होता है गाइस, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव चीज है सोशल मीडिया, ठीक है। 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलोगे आधा घंटा कहाँ उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। सो सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। माइंड फ्री करने के लिए बाकी के तरीके होते हैं, ठीक है। यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी से बात करें, ठीक है। तो उसी को कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया से दूर रहना थोड़ा। बस यही सब बातें जो थी आपको बतानी थी, ठीक है, अभी मेंस के पहले। और ये कोई स्ट्रेटेजी 10 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगता 10 दिन के लिए मैं अगर सच में स्ट्रेटेजी बताने लगा तो मेरे को लोग मतलब पहले मैंने 3 महीने का स्ट्रेटेजी बताया तो लोगों को वो इम्पॉसिबल लगता था, ठीक है। 10 डेज का बताऊंगा तो बहुत ही ज्यादा मतलब वो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। 10 डेज का कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता, मैं इसको तो बिलीव करता हूँ, ठीक है। मैंने 17 दिन में किया था, ठीक है। 10 डेज का कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता, ये स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है। और बस ये कुछ बातें थी जो अच्छी थी, मेरे को लगता है आपको जानना इम्पोर्टेंट थी, इसलिए आपको बताया। एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी मैं ट्राई करूंगा कि एक और वीडियो बना दूं जिसमें मैं और कुछ एडवाइस जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको देने की कोशिश करूंगा। और उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि उस वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आए, तो वो काम जरूर करना। और अगर आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है वो भी फ्री में, तो आप जो हमारा ऐप है एग्री इनसाइट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली फीचर्स, जनरल एग्रीकल्चर की ये सब भी मिलता है, बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। फ्री ऐप है, अभी के अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्री इनसाइट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है।